तैयारी शुरू हो गई है, मेहंदी स्टार्ट करना शुरू हो गया है। सबसे पहले मेरा नंबर आया है, बाकी दोनों देवरानियों का आएगा और परी भी लाइन में लगी है कि मम्मा लोगों के बाद मुझे भी लगाना है। सो मेरा फ्रंट में कंप्लीट हो गया है, अब बैक साइड लगाना है। और मार्केट में बहुत भीड़ है, मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, बहुत रश था, बहुत रश था। दो तीन राउंड लगाए मार्केट का, लेकिन सॉरी ब्लॉग नहीं बन पाया, लेकिन अब ये बड़ा चाची की चांस है मेहंदी लगाने के लिए। ये देखो मेरे बड़े चाची, बस बेटा बस मेहंदी के ले लो। सोना चाची वेटिंग में खड़ी है, सोना चाची का भी ले लो है? सोना चाची वेटिंग में खड़ी है। कब होगा? मेरा कब लगेगा? टर्न है सोना चाची की टर्न। बज रहे हैं मॉर्निंग के 3 o'clock। हम लोग उठे हैं पानी पीने के लिए, पानी पी लिया है मैंने और सोनम चाय बना रही है। बटर भी पानी पी के अभी ऊपर गई है। बस गाइस अब इसी पानी पीने के साथ, अब इसी शक्ति के साथ इस व्रत को रखना है, सारे का घर के कामों को लेते हुए। बच्चों को भी स्कूल भेजना है, बच्चे टाइम पे उठेंगे और लेट सोए भी हैं। लेट्स सी उठते हैं कि मुझे गुस्सा दिलाते हैं। गाइस हम लोग की चाय हो गई है और पानी भी पी लिया है और मैं जा रही हूँ अब नहाने, क्योंकि बच्चों को भी उठाना है स्कूल के लिए। सो बहुत हड़बड़ी रहेगी, तो फटाक से मैं नहा के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस ये देखिए मॉर्निंग हो गई है, कितना अच्छा मॉर्निंग लग रहा है आज का। सो गाइस दोनों बच्चे स्कूल से आ गए हैं और मैं देव को जगा रही हूँ। ये देव जो है उठने का नाम नहीं ले रहा है, देखिए। ओ बेटे देखो ना कैमरे में। ओ गाइस मेहंदी तो बहुत अच्छा कलर आया है, लिटरली बहुत अच्छा कलर आया है। और डिज़ाइन भी उसने बहुत अच्छी चूज़ की थी, जो कि मेरे हैंड पे काफ़ी सूट कर रही है। और मैंने यहाँ पे हबी का नेम भी लिखवाया है, ये देखिए। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए, मुझे मार्केट जाना है, मुझे नोज पिन लेनी है और मम्मी को भी कुछ छोटा सा पूजा का सामान छूट गया है। तो मिलते हैं थोड़े से ब्रेक के बाद। हम लोग मार्केट से आ गए और मेरी आईब्रोज भी बन गई, मैंने एक नोज पिन ली है स्मॉल सी। और अब मैं जा रही हूँ पूजा डेकोरेट करने, जिस भगवान की आज पूजा होगी उनको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है, सारी पूजा की चीज़ें रखी जाती है। सो हम वहीं जा रहे हैं, सोनम वहीं पर है, मम्मी भी वहीं पर है, मैं भी वहीं पहुँच रही हूँ। और ये है सब पूजा से रिलेटेड सामान। ये प्रसाद है, भगवान जी का वस्त्र है, पंडित जी लोगों का सामान है, ये भगवान जी। और इस बार हम लोग जो है बाहर बरामदे में पूजा करेंगे, क्योंकि गाइस हम 3 लोग यहाँ पे बैठते हैं ना, तो बहुत हॉश पॉश हो जाता है और गर्मी भी बहुत लगती है। सो यहाँ पे हम लोग रख दिया गया है, यहीं पर पूजा होगी।
लगी हुई है पूजा का सब व्यवस्थित करने में, अरेंजमेंट सोनम बहुत अच्छा से करती है, साथ में दीदी भी कर रही है, सोनम बहुत अच्छे से करती है, हम तो इसको पीछे से फॉलो करते हैं क्या क्या करना है। और ये देखिए गाइस गजरा कितना सुंदर लग रहा है इसके बालों में। बस रेडी हो गई हूँ फुल, कुछ अब बचा नहीं है, अब मुझे जल्दी से ऊपर जाना है। वो दोनों भी रेडी हो गए हैं, फिर आपको मैं पूजा में मिलती हूँ, ठीक है? आप लोग भी फटाफट रेडी हो जाइए प्लीज़, जो जो जल्दी जल्दी कम ऑन, जल्दी मेकअप करो लेडीज़, कम ऑन जल्दी मेकअप, पूजा का टाइम निकलना जा रहा है, जल्दी जल्दी। परी को देखो भाई, परी टॉर्च ली हुई है, मम्मा लोगों को हेल्प कर रही है मेकअप करने में, है ना? लाइट्स की कमी है रूम में, इसलिए बाबू टॉर्च लेके खड़ी है ना, हटो है ना। और गाइस मैंने ये नोज पिन पहन ली है जो कि मैं पहनना भूल गई थी, अभी याद आया फिर मैंने पहन ली है। और अपने हबी का वेट कर रही है, विंडो से झांक रही है कि कब आएंगे। मम्मी मम्मी आप भी आ जाओ, इनसे भी रानी जा रहा है, ये भी अभी को कॉल कर रही है कि कितना टाइम लगेगा, और उधर बटर विंडो से झांकी जा रही थी, हैप्पी का इंतजार कर रही है। आज है हड़ताली का व्रत, तो हड़ताली का व्रत में हम तीनों लोगों ने व्रत रखा है, और उसमें हम लोग ने खूब अच्छे से हम लोग सजे हैं अपने हस्बैंड के लिए, हम लोग ने साड़ियाँ पहनी हैं। तो सबसे पहले इसमें इस मूर्ति की पूजा होती है, और इस मूर्ति को स्नान कराया जाता है बहुत ध्यान से, क्योंकि ये मिट्टी की बनी होती है। इन्हें दूध दही चढ़ना, अमृत शहद गुलाल फूल से इन्हें नहलाया जाता है, और फिर इसके बाद इनको श्रृंगार भी किया जाता है इनका। से इन्हें नहलाया जाता है, फिर इन्हें वस्त्र पहनाए जाते हैं। मार्केट में वस्त्र वाली भी मूर्तियाँ मिलती हैं, लेकिन हम लोग वस्त्र अलग से लेके आए थे। वस्त्र पहनाने के बाद पार्वती जी का श्रृंगार किया जाता है, वो श्रृंगार का किट भी मार्केट में मिलता है, उसमें सारी श्रृंगार की चीज़ें रहती हैं। इनको की Thank you.
वस्त्र पहनाने के बाद आप मूर्ति का अपने जो भी आपने बनाया है मिष्ठान में उनको भोग लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। उसके बाद कथा सुनी जाती है, कथा के बाद आरती होती है और आरती हो जाने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद हस्बैंड से आप पानी पी सकते हैं मिठाई खा के। बहुत सी लेडीज़ जो हैं निराजल व्रत रखती हैं, लेकिन हम लोग रात में ही मिठाई खा लेते हैं। ऐसे ही मम्मी ने शुरू से ही ऐसे ही हम लोगों को रखने को बोला, तो हम लोग रात में मिठाई खा के हस्बैंड से पानी पी लेते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग मॉर्निंग होने से पहले हम लोग जो भी छूने का सामान होता है वो छूते हैं, चूड़ी बिंदी वो फिर पंडितों को दान दे दिया जाता है। और मॉर्निंग से पहले ही हम लोगों को आप जो भी पूड़ी सब्जी आप बना सकते हो वो बना के हम लोग ये व्रत को तोड़ते हैं और इस तरीके से हम लोगों की ये पूजा जो है संपन्न होती है। आप बड़ी ही सबसे पहले लेना चाहिए। सुना हो गई है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम लोग थोड़ी देर में मिठाई खा के अपना व्रत तोड़ेंगे।